खेती की है, वो खेती से आज हमें एक RSI से कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन काल है ना जो बहुत अच्छा, मतलब हम आज यहाँ पे 22 देशों के लोग तो मेरे विजिट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा और उसके बाद में आपके हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, यूपी के बहुत सारे किसान डेपुटेशन के हिसाब से आते हैं। अभी साथ खुली खेती करते थे और खुली खेती हम ट्रैक्टर ट्रैक्टर चलाते थे और बेचाए से रखते थे और बेचा का दूध पानी से हमारा उधर चलाते थे और अब बच्चा जौ की खेती करने लग गए। इसी के बाद में हमको अच्छा प्रॉपर्टी आया, इसके पीछे हमने गाड़ियां खड़ी करी है और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे बच्चा ने अच्छा काम। किसान भाइयों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सतीश शर्मा जाफराबादी राजस्थान में हूँ। राजस्थान के जयपुर का ये देहात का इलाका है और इस देहात के इलाके में किसान प्रगतिशील खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान मेरे साथ मौजूद हैं। इस इलाके को मिनी इसराइल कहते हैं दोस्तों, और इस मिनी इसराइल में जो एक किसान हैं, इनके परिवार के 22 पॉली फार्म हैं। और पॉली फार्म आप देख रहे हैं मेरे पास में बहुत सारे पॉली फार्म हैं। ये सोलर प्लांट लगा हुआ है और ये पॉन्ड भी है पानी को एकत्र करने के लिए। बूंद बूंद पानी से यहाँ सिंचाई खेतों में होती है, पानी का थोड़ा सा यहाँ किल्लत है। और ये किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या इनको उपलब्धि है, क्या ये किस तरह की खेती कर रहे हैं और किस तरह से बढ़िया मुनाफा कमा करके अपनी जीवन शैली को, अपने जीवन के स्तर को बढ़िया बना रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नज़ीर हो सकते हैं, आप कैसे इनसे कुछ सीख सकते हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार हमारे दर्शकों की ओर से। क्या शुभ नाम है आपका सर, कौन सा ये गांव है और किस तरह की खेती आप कर रहे हैं ये बताएं। मेरा नाम रामनारायण चौधरी है, गांव मेरा बसेड़ी है, तहसील जयपुर, जिला जयपुर का मैं रहने वाला हूं। जी 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 जी, हम साधारण किसान थे, साधारण किसानी से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और आज इस गाँव को हमारे मिनी इसराइल के नाम से जाना जाता है। जी जी जी, 2013 तक हम साधारण खेतियां करते थे, बाहर की खुली खेतियां। जी खुली खेती करते थे। जी 2013 से फिर हमने हाईटेक खेतियां चालू किए तो आज इस गांव को कोई जानता नहीं था, जोड़ोड़ा पंचायत समिति में बसेड़ी गांव को है क्या। जी जी जी, लेकिन जिस जगह आप खड़े हो ये गांव एक मिनी इसराइल का इसको दर्जा मिला है और मिनी इसराइल के नाम से जाना जाता है। मेरे आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र में कम से कम 250 से 300 पोली हाउस लगे हुए हैं और हर किसान इस खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है। आपके पास, आपके परिवार के पास कितने पॉली फार्म हैं? मेरे परिवार के पास मेरे खुद के 22 पॉली हाउस है। वाली 22 पॉली हाउस है। तो आपको ये चौधरी साहब, ये बहुत पिछड़ा सा इलाका है, देहात का इलाका है और ये भूड़ मिट्टी का इलाका है, किस तरह से ये चेतना आई है पॉली फार्म बनाने की, कैसे परिणाम कैसे मिले? ये चेतना तो हमसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट से हमने सीख ली है, उन्होंने हमको कुछ साथ दिया है अच्छी तरीके से, तो हमने आज इस मुकाम पर पहुंचे। अच्छा अच्छा, तो आप इस समय जमीन कितनी है सर आपके पास? जमीन मेरे परिवार के पास 150 बीघा जमीन है। 150 बीघा जमीन है। तो खुली खेती कितने भी जमीन कर रहे हैं और ये पॉली हाउस में कितनी? 22 पॉली हाउस है, 22 पॉली हाउस में 22 एकड़ जमीन तो पॉली हाउसों की होगी, बाकी खुली खेती। खुली खेती। ये हम तालाब देख रहे हैं आपका, ये तालाब जो आपने बना रखा, क्या साइज है जी इस तालाब का चौधरी साहब? इसका तालाब का साइज है 350 फुट तो लंबा है, 350 फुट। अच्छा, और 125 फुट चौड़ा है। तो इस पर आपने जो पॉलीथीन बिछा रखी है प्लास्टिक की, जो पानी को सूखने नहीं देगी, ये जो ये 500 माइक्रोन सीट है ये। अच्छा, माइक्रोन सीट 500 माइक्रोन सीट है, इसमें पानी की छिजत नहीं होती है। अच्छा, इसमें जो गहराई कितनी है इस तालाब की? इसकी 25 फुट गहराई है। 25 फुट गहराई है। तो इसमें कितना पानी आप बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं जो पॉली हाउस से आता है, वो सब पानी इकट्ठा? सारा पॉली हाउस पूरा जो गटर लाइनें लगी हुई है। अच्छा, वो सब पानी इसमें? सारा पानी इस डैम में आ जाता है। तो ये वर्ष भर पानी रहता है क्या आप इसमें सिंचाई के लिए? साल भर के लिए, अब फुल भर जाएगा तो साल भर के लिए हमारे को अच्छा। अच्छा, ये जो तालाब आपने बनाया, इसकी तालाब की खर्चे की बात करते हैं तो कितना खर्चा आ गया होगा इस पर? तालाब में हमारे को लगभग 10-11 लाख रुपये खर्च हो गया। 10-11 लाख का खर्चा आ गया हो। और ये पूरा प्रोजेक्ट है इसका? ये तो पॉली हाउस का है। पॉली हाउस का है। अच्छा, ये जो आपने सोलर लगा रखे हैं, सोलर हमारे राजस्थान में बिजली की कमी होती है तो सोलर लगाने से हमारे को बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो है कितने वाट के सोलर लगा रखे हैं आपने भाई साहब? ये मेरे 11 किलोवाट के सोलर है सारे। अच्छा अच्छा, 11 किलो। तो यानी ये जब तालाब में पानी भर जाता है तो इस सोलर पंप के द्वारा जो है आप खेतों में सिंचाई, खेतों में सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉली हाउस है आपके, खासतौर से यहाँ मूंगफली की खेती भी होती है? होती है। अच्छा, तो ये कौन सा पॉली आप दिखाना चाह रहे हैं हमारा पॉली हाउस? ये पॉली हाउस आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए किसान भाइयों, ये
चौधरी साहब हैं, इनका जो पॉली हाउस है वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये इनके सोलर प्लांट लगे हुए हैं और तालाब भी है, और इसी तालाब में वर्षा का पानी हम लोग, ये लोग किसान भाई इकट्ठा करते हैं। काफ़ी हमारे यहाँ क्या, उत्तर भारत में ज़्यादातर किसान गांव देहात में वर्षा का पानी बर्बाद हो जाता है, नालियों में चला जाता है, लेकिन ये पानी को यहाँ संचय करते हैं। इस तरह से तालाब बना हुआ है और वर्ष भर इस तालाब में पानी रहता है। जब पानी की किल्लत होती है फसलों में तो इस पानी से ये लोग सिंचाई करते हैं। ये पॉली हाउस है किसान का और ये बराबर में खेती हो रही है, खुली खेती हो रही है, ग्वार की, ये ग्वार ग्वाल हो रहा है, ग्वार ग्वार, हाँ ये ग्वाल की खेती भी हो रही है। और ये पॉली हाउस इनका देख रहे हैं, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो का लिंक भी अन्य दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इससे कुछ चेतना मिले, कुछ जागरूक किसान हो जाएं और बढ़िया मुनाफा कमाएं। राजस्थान सरकार इन पॉली हाउस के लिए, सोलर प्लांट के लिए कुछ सब्सिडी देती है चौधरी साहब? देती है सब्सिडी में। अच्छा, सौर ऊर्जा के अंदर तो हमारे को 86% अनुदान था, अब तो घटा के हमारे को 60%। अच्छा, 86% तक अनुदान मिला है, अब 66% जो भी नया जो किसान ले रहा है उसको 60% मिल रहा है। 60% सब्सिडी मिल रही है सोलर प्लांट पर, 60% यहाँ सब्सिडी मिल रही है। पहले 86% था, पहले 86% था। और ये जो पॉली हाउस है इन पर भी कुछ आपको मिल रही है सब अनुदान? पॉली हाउस में पहले 70% सब्सिडी थी, अब घटा के 50% कर दिया। अच्छा, पहले 70% थी, अब ये 50% सब्सिडी अभी मिल रही है। तो ये पॉली हाउस जो आपने बना रखे हैं चौधरी साहब, वो कितने कितने साइज के बना रखे हैं? 4000 स्क्वायर मीटर के हैं। 4000 स्क्वायर मीटर के हैं। अच्छा, 4000 का बनता है, बड़े से बड़ा भी 3000 ही बनता है, 2000 ही बनता है, इससे कम बन सकता है, 4000 के ऊपर गाइडलाइन नहीं है इसकी। अच्छा, 4000 से ऊपर नहीं बना सकते, गाइडलाइन ही नहीं है। तो ये इसका गेट है आपके पॉली हाउस का, ये वाला, इसमें देखेंगे क्या खेती इसमें हो रही है जी आजकल? इसमें खीरे की खेती हो रही है जी। खीरे की? अच्छा, खीरे को कुछ और भी कहते हैं आपकी भाषा में? यहाँ कुकुम्बर बोलते हैं, कुकुम्बर कहते हैं। देखो किसान भाइयों, ये पानी जो है यहाँ से पॉली हाउस से आ रहा है और बीच में नालियाँ बना रखी है, पानी यहाँ सर के यहाँ से आकर के इकट्ठा होकर एक टंकी में आता है, हौदी में, हौदी से ये सब पानी जो है सीधा इस पानी इस तालाब में चला जाता है इस तरह से। और दूसरी तरफ से भी पानी आकर के पॉली हाउस की छतों से पानी आकर के इस तालाब में आता है। और ये पॉली हाउस हम देख रहे हैं किसान जी का, कैदा पॉली हाउस आप देख सकते हैं, मकान की तरह ही सुरक्षित रहता है। और ये पॉली हाउस में खेती हो रही है, ये खीरे की खेती हो रही है। ये कौन सा खीरा है कहते हैं जी इसे? चाइनीज खीरा बोलते हैं इसे। अच्छा, चाइनीज खीरा कहते हैं। ये कितना जो है इसकी रॉ चौधरी साहब, कितना ऊपर चली जाती है, कितनी बढ़वाई हो जाती है इसकी? बढ़वा की पूरी हाइट ऊपर जाके तारों के ऊपर से नीचे तक आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 4 महीने की क्रॉप होती है। 4 महीने की क्रॉप होती है? जी, 4 महीने की क्रॉप होती है। जी 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 जी। तो ये सीडलेस खीरा होता है जी? सीडलेस खीरा होता है, चाइनीज खीरे बोलते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, खाने में सॉफ्ट होता है और टेस्टी भी काफी होता है। भी काफी होता है। तो होटलों में ज्यादातर इसी की सप्लाई होती है। हाँ। तो आपने ये मिट्टी में कर रखा है जी? मिट्टी में कर रखा है, ड्रिप लगा रखी है। अच्छा, ड्रिप लगा रखी, ये वाली ड्रिप लगी हुई है, बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई से। तो ये जो कितने दिन की फसल हो गई जी आपकी ये समय? आज ये करीबन आज 2.5 महीने के लगभग। ये 2.5 महीने की फसल है। किस समय आपने ये बोया था? आपने इसकी नर्सरी तैयार की थी पहले या? नहीं, डायरेक्ट मैंने सीड्स लगाए थे। सीड्स लगाए थे? हाँ। किस समय लगाए थे सर ये सीड्स आपने? ये मैंने एक जून को, 1 जून को लगाया था। 1 जून को सीड लगाए थे। और यह 3 अगस्त हो गई है, यानी लगभग दो महीने में ये जो है खीरे की जो फसल है वो तैयार होकर के इतनी लंबी हो गई, यानी 6-6.5-7 फुट की हो गई है जी। चौधरी साहब, ये जो आप कब तक ये फसल देगी बढ़िया, ये बताइए थोड़ा सा। ये करीबन लगभग 1-1.5 महीना और चलेगी। 1-1.5 महीना चलेगी। तो ये जो है कितना, आप 4000 वर्ग मीटर का ये पॉली हाउस है आपका। हाँ। तो इसमें जो है कितना आप जो है खीरा पर डे ले लेते हैं और कितने दिन तक देगा ये पूरा प्रोडक्शन? हमारे 35-50 टन तक खीरा निकलता है। अच्छा, 35-50 टन तक। क्या भाव इसका होता है जी बाजार में? 20-25 रुपए किलो मिलता है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब इसको जो इसका खर्चा, इसके माने एक ही पॉली फार्म से हम खर्चा माने तो कितना खर्चा हो जाता है इस फसल पर? ये फोर्थ क्लास, तो फोर्थ तो इसमें लेवल ले लेती है। अच्छा अच्छा। फोर्थ का खर्चा होता है 50%। 50% बचत हो जाती है। तो कितना बचत हो जाती है जी इससे 3-4 महीने में? अभी ये इसमें 35 टन माल देगा तो 7 लाख रुपये होगा, जिसमें 3.5 लाख का खर्चा होगा, 3.5 लाख बच जाएगा। 3.5 लाख रुपये एक पॉली हाउस से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, खर्चा पानी सब काट करके। तो चौधरी साहब, ये आपने जो है क्या क्या आपको यहाँ किस तरह से सरकार की ओर से क्या आपको उपलब्धि मिली है और क्या सरकार लाभ दे रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो सरकार तो हमें तो पहले तो बहुत सारा लाभ दिया था, लेकिन हमारी सब्सिडियाँ बहुत कम कर दी सरकार। जी 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 जी। पहले हमें 70% सब्सिडी मिलती थी, आज 50% सब्सिडी मिल रही है।
तो इसके ऊपर मल्च लॉटनल वगैरह सब चीज़ों उस पर सब पे हमारी सब्सिडी है सरकार की। तो काफ़ी आपके गांव में पॉली हाउस हैं, लोग देखने आते होंगे, कहाँ कहाँ के लोग देखने आते हैं, विजिट करने आते हैं? यहाँ पे 22 देशों के लोग तो मेरे विजिट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में आपके हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, यूपी के बहुत सारे किसान डेपुटेशन के हिसाब से आते हैं। अभी 7-8 दिन पहले भी एक बस भर के आई थी। अच्छा अच्छा। तो अब चालू सा रहता है, मैंने में एक दो बसें आती रहती है। तो किसान भाइयों, एक मॉडल है खेती किसानी का यहाँ, जो काफ़ी दूर दूर से किसान आते हैं, ग्रुप में लोग किसान आते हैं, काफ़ी सीख कर जाते हैं, आप भी कुछ इनसे सीख सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो है ये जो इसको खेती में करने में जो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है एक तरह से, ये ऑर्गेनिक पूरी तो नहीं है लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ 80% ऑर्गेनिक है। 80% ऑर्गेनिक है मुनाफा। इसके अलावा जो आप ये खीरे की खेती तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा और किस किस तरह की खेती आप लोग करते हैं थोड़ा सा बताएं? यहाँ हमारी खेती टमाटर की होती है, मिर्ची होती है, शिमला मिर्च भी लगाते हैं जी, मूंगफली वगैरह भी होती है, गंवार बाजरा भी होता है, खेतियाँ तो सभी होती है हमारी। नहीं, पॉली हाउस में जो खेती कर रहे हैं वो चेरी टमाटर? पॉली हाउस में तो टमाटर और ये जो शिमला मिर्च होती है वो, और ये कुकुम्बर। अच्छा कुकुम्बर। अच्छा, कुकुम्बर इस खीरे को कहते हैं। कुछ खीरा बड़ा हो रहा है, कुछ पीला हो रहा है, इसकी क्या वजह है थोड़ा सा बताएं चौधरी साहब? बड़ा कुछ पीला सा हो रहा है खीरा, ये कुछ मौसम की वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये मौसम की वजह से हो गया, इसमें वायरस आ जाता है मौसम से। कुछ पेट सूखी गए, मौसम की वजह से हो जाता है। अभी थोड़ा मौसम खुल रहा नहीं है ना, अपन थोड़ा खुला मौसम। चौधरी साहब, इस तरह की खेती को करने के लिए खास तौर से क्या सावधानी बरतनी पड़ती है किसानों को, थोड़ा सा ये बताइए? क्या टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है इस फसल के लिए? देखो, इसके लिए तो बहुत सारा सब कुछ से देखना पड़ता है, हमें मौसम भी देखना पड़ता है, टेम्परेचर भी देखता है। कुछ चीज़ें ऐसी हद तक होती है जो मौसम पर निर्भर होती है कुछ चीज़ें। अच्छा अच्छा। मौसम अगर बढ़िया होता है तो खेती की किसानी के लिए बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये टेम्परेचर किस तरह से, हम इसको कितना टेम्परेचर चाहिए इस खेती को? इसको टेम्परेचर ये 40 तक टेम्परेचर शूट कर लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा। 40 से ऊपर हो जाता है तो फिर कई चीज़ें हमारे सामने संकट हो जाता है इसका। अच्छा अच्छा। तो इसमें कितने लेबर, एक फार्म को मेंटेन करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ती है? 2 आदमी बहुत काफ़ी है इसमें। अच्छा, 2 आदमी मेंटेन कर लेते हैं। आप स्वयं भी काम काज करते हैं? खुद करता हूँ ना मैं काम। मंडी में बेचने में इस माल को कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मंडी बढ़िया जो है भाव मिल जाता है। बढ़िया भाव। और कुछ किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे चौधरी साहब, कुछ बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर अच्छे किसान है तो खेती में जुटे, खेती तो छोड़ना, कई किसानी छोड़ रहे हैं, मैं तो इससे नफरत हूँ, किसानी छोड़ेगा तो खाएगा क्या। जी 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 जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा सुना और समझा, ये चौधरी साहब जो बता रहे हैं पॉली हाउस में जो खेती हो रही है, काफ़ी किसान खेती से बच रहे हैं, और किसानों के पढ़े लिखे लोग नौकरी करने के लिए उतावले रहते हैं लेकिन खेती किसानी में नया प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन राजस्थान के इन लोगों से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं कि किस तरह ये विपरीत परिस्थितियों में रह करके बढ़िया खेती किसानी कर रहे हैं, बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, और आर्थिक तौर पर ये किसान लोग संपन्न भी हैं। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इनका नंबर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इनसे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कैसे कैसे आप भी ये पॉली हाउस की खेती कर सकते हैं और कैसे बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, राजस्थान से, नमस्कार।